धन्यवाद सभापति महोदय। आज शिक्षा कला संस्कृति बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा एक इंसान के भविष्य का निर्माण करती है। आज हम इस सत्र में, इस साल में, हमारे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार सुधार किया जाए, इस संबंध में सभी मिलकर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हमें शिक्षा पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिक्षा पे जो राजनीति हो रही है उसको रोकना चाहिए अगर हम इस राज्य का निर्माण करना चाह रहे, इस राज्य के भविष्य अगर चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है, मैंने ये देखा कि सरकारें बदलती है तो जो विद्यालय है उनका कलर चेंज हो जाता है, विद्यालय में जो साइकिलें मिल रही थी उसका कलर चेंज हो जा रहा है। और सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में अगली बार जो स्थिति पैदा हुई, पिछली बार जब एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो जो ड्रेस सिलवाता है, कपड़े सिलवाता है, वो ये सोचता है कि मेरे बच्चे को जो कपड़े मैं दे रहा हूं वो दो साल कम से कम स्कूल जाएगा। लेकिन पिछली बार जो कपड़े थे, जो ड्रेस थी, उसका कलर चेंज किया तो उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में कई बच्चों को परेशानी आई। तो सभापति महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सिस्टम है उसको खत्म करना पड़ेगा। और जो एक व्यापारीकरण हो रहा है शिक्षा का, क्योंकि आज पिछली सरकार ने कई स्कूलें बंद कर दी, कई स्कूलें बंद कर दी क्योंकि निजी शिक्षा को बढ़ावा देना उनका मकसद था। स्कूलें बंद करने का मेन मकसद यह था कि निजी शिक्षा को बढ़ावा दे, व्यापारीकरण को बढ़ावा दे, उनका ये मकसद था। तो मैं सभापति महोदय ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हम हर गरीब को, हर पीड़ित को अगर शिक्षा देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा। आज कोई भी शिक्षक है, कोई भी अधिकारी है, कोई भी राजनीतिक दल का नेता है, वो सभी के बच्चे कहां पढ़ते, प्राइवेट स्कूलों में। क्या हम यहां से सुधार नहीं कर सकते हैं? कि जो शिक्षक है, जो लीडर है, जो जनप्रतिनिधि है, वो उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। अगर आज मैं जनप्रतिनिधि हूं, जो एक अध्यापक है उसका अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा प्राइवेट सरकारी स्कूल में, तो वो सोचेगा वहां नल भी लग जाएगा, वहां शौचालय भी बन जाएगा, वहां भवन भी अच्छा बन जाएगा। तो सभापति महोदय, जो एक कानून बना हुआ है कि गरीब छात्रों को निजी स्कूलों में 25% निःशुल्क को पढ़ाया जाए, तो जो मेरे इलाके में मैंने जो देखा कि सभी निजी स्कूलों में आंकड़ों में तो यह उपलब्ध करा दिया जा रहा है कि 25% गरीब बीपीएल परिवार लोगों को, आदिवासी लोगों को, पीड़ित लोगों को पढ़ाया जा रहा, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो व्यापारीकरण हो रहा है उनको रोकना पड़ेगा। और सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र की एक विशेष जो समस्या है, वहां पर जो वहां के जो लड़के बीएड करने जाते हैं, बीएससी करने जाते हैं, तो उनको सीधा दे दिया जाता है शिखर शेखावटी इलाका। क्यों? वहां पर कॉलेजें हैं फिर भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक धंधा चल रहा है। मैंने भी बीएड किया शिखर से, उस एरिया में, इस इलाके में सिस्टम चलता है, आओ सेटिंग करो, 50,000 रुपया दो और वापस चले जाओ। इस तरह का ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा अगर हम हमारे राज्य का भविष्य निर्माण करना चाह रहे हैं। तो अब आगे की कड़ी में अब शिक्षा से जुड़ा हुआ एक मामला है। हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में 2013 में राज्यपाल की अधिसूचना पारित हुई थी और संशोधित होकर 2016 में वापस पारित हुई। उसमें जो आरक्षण का प्रावधान किया गया, 45% एसटी, 5% एससी और 50% सभी वर्गों के लिए। लेकिन हाल ही में एक भर्ती हुई 2018 में, रीट की भर्ती हुई, उसमें जो 50% जो सीटें थी वो खाली रह चुकी है। तो जो 1126 सीटें कुछ खाली हैं, इसमें हमारे वहां पात्रता है 36% पात्रता दी गई है। तो जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो खाली सीटें रहेगी वह किसी भी वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएगी, लेकिन आज नहीं भरी जा रही है। और उल्टा ये हो रहा है कि
ये जो नया एरिया जो जुड़ा 19/5/2018 को, विज्ञप्ति जारी हुई है हमारे 12/4/2018 को, एक महीने पहले विज्ञप्ति जारी हुई है, जो विज्ञप्ति में नहीं शामिल है, जो विज्ञप्ति के अनुसार जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल नहीं है, उस अभ्यर्थी को हमारी जो वहां की सीटें हैं उनको लिया जा रहा है। ये एक तरह का शेड्यूल एरिया के साथ, आदिवासी अंचल के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में एक फिर भर्ती हुई अभी नीट की, उसमें 4 सीटें जो आ रही थी शेड्यूल एरिया की उनको भेज दिया गया। जो नीट के काबिल स्टूडेंट बना है, जो बच्चा नीट के काबिल बना है, उसके माँ बाप को बहुत पसीना आया होगा, उसने अपने जेवरात गिरवी रखे होंगे, अपनी जमीन गिरवी रखे होंगे। तो सभापति महोदय, हमारे एरिया के साथ जो अन्याय हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, तो कम से कम शिक्षा में तो नहीं होना चाहिए। तो हम आपसे निवेदन करें कि ये ऐसी जो विघ्न बना है उसको दूर किया जाए। अब आगे की स्थिति में बताना चाह रहा हूँ कि विद्यालय की क्या स्थिति है। हमारे एरिया में आज ये स्थिति है कि 70% ऐसे विद्यालय का भवन है जहाँ आज बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। रोज न्यूज़पेपर में आता है। माननीय सदस्य अपनी एक मिनट में बात समाप्त करें। सर नए सदस्य उनको बोलने का मौका दें। एक मिनट में समाप्त करें। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभापति मायूसी है हकीकत में, दूर करो इसको। जी, कोई अंकित नहीं सर, मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जो अभी हाल ही में केवल उसी का अंकित होगा, किसी का अंकित नहीं होगा। सर हाल ही में जो भवन की स्थिति है, न्यूज़पेपर में छपा है कि डूंगरपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा कार्यालय है वो नकारा घोषित हो गया है, मतलब जिले का जो कार्यालय है वही नकारा घोषित हो गया है, तो फिर स्कूलों की क्या स्थिति होगी। सर अभी स्कूलें खुली है और अभी न्यूज़पेपर में आया कि प्रार्थना सभा से 15 मिनट पहले स्कूल की छत गिर गई, मतलब प्रार्थना सभा से 15 मिनट पहले स्कूल की छत गिर गई, वो तो उनके मतलब किस्मत अच्छी थी, नहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कॉलेज शिक्षा में, वहां डूंगरपुर जिला है और वहां पर MSc के लिए न तो वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, न मैथमेटिक्स है, न फिजिक्स है, वहां पर सिर्फ जुलोसी एक ही से MSc कराई जा रही है। तो मैं महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ मंत्री महोदय को कि वहां पर वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान व मैथमेटिक्स फिजिक्स में नए खोली जाए। अब आगे की कड़ी में वहां का जो सिस्टम है प्रवेश में, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर अभी साइंस सब्जेक्ट में आप लिख के दे देना माननीय मंत्री महोदय को, लिख के दे देना 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो एक मामला चल रहा है श्री गोपाल लाल मीणा, सर मामला चल रहा है कि जो दूध वाली चर्चा हो रही है हमारे हाल ही में एक न्यूज़पेपर में चला है। माननीय सदस्य बिराजिए, सर एक न्यूज़पेपर में भ्रष्टाचार की वाली चल रहा है। बिराजिए, एक अध्यापक भ्रष्टाचार में पाया गया क्योंकि दूध में कमीशन खा रहा था, तो पिछली सरकार का सिस्टम चला है। मेरा फिर सभी से आग्रह है, कहने के बाद आप विराजासन का निर्देश माने, अंकित नहीं होता है तो फिर बोलने से फायदा नहीं है। तो भी आप समझते आपको माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप उन्हें अवगत कराएं। श्री गोपाल लाल मीणा, हाँ महेंद्र जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन